हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक वीडियो यहाँ पर आ चुकी है, जाइए और जल्दी से यहाँ पर इस वीडियो को देखिए। स्टार हाउसिंग फाइनेंस एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, इसके आप फंडामेंटल्स देखेंगे ओके तो आप इसके कायल हो जाएंगे। पेनी स्टॉक है, मल्टी बैगर है और यहाँ पर मल्टी बजाज फाइनेंस को भी आगे चल के शायद टक्कर देते, ऐसी एक कंपनी बन दिखती हुई नजर आ रही है। तो इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है, जाके वीडियोस को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले तीन स्टॉक्स से रिलेटेड, नेटवर्क 18, टीवी 18 एज वेल एज नाहर पॉली, ये तीन स्टॉक्स है उससे रिलेटेड बातें करूंगा। क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ पर टेक्निकल के बेसिस पर कुछ दिखाई दे रहा है एज वेल एज इनके आने वाले रिजल्ट, तो इनके बेसिस पे भी मैं अपनी एनालिसिस रखूंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और यहाँ पर चीजें अच्छी नजर आती है तो अगर हम यहाँ पर इस चीज को खरीद लेते हैं तो शायद हमें क्वार्टरली बेसिस पे काफी बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, बट यहाँ पर सीखना है और सीखने के लिए आप हमें यहाँ पर फॉलो करिए, इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो बेल आइकन के हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि दूसरी वीडियोस भी आपको मिले सीखे, और यहाँ पर जाके एक एक वीडियो को खंगालिए। हर एक वीडियो में टेक्निकल और कुछ ना कुछ बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन होता है, उस चीज को यहाँ पर देखिए। और हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो एक नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपसे एक अनुरोध है कि आप हमें बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड आपका सपोर्ट और भी जरूरी है, इसलिए हर एक वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगता है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क 18 की बात करेंगे। देखिए लास्ट टाइम यहाँ पर टेक्निकल से जब हमने बात करी थी और जब यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है ये वाला, तो यहाँ पर इस सपोर्ट को ही यहाँ पर देखिए नीचे चीजें आई और इस सपोर्ट को लेके फिर ऊपर जो भागती हुई दिखाई दी है ओके, और एक कैंडल बनाती हुई नजर आई है। तो जब तक इस कैंडल को नहीं तोड़ रहा ओके तब तक समझिए कि यू आर सेफ ओके, किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको थोड़ा सा क्या रहना है, कॉशियस भी रहना है कि यहाँ पर चीजें नीचे आ सकती है, बट मुझे लगता नहीं है एक बेहतरीन गिरावट लगभग कितने परसेंट की अगर मैं आपको दिखाऊं तो अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट अपने टॉप हाई से लगभग हो चुकी है। 26% ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो 26% की गिरावट ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है, और जो ये डील थी ये डील काफी बेहतरीन थी। अब क्या होने वाला है, अब है इसके रिजल्ट। अगर यहाँ देखेंगे 3rd of May, 3rd of May का मतलब है ट्यूजडे, ट्यूजडे को इसके रिजल्ट है ओके, शायद यहाँ पर कंसोलिडेट करे या फिर इसी को यहाँ पर ये चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो सपोर्ट इसने यहाँ पर ले लिया है ओके, और मुझे नहीं लगता ये सपोर्ट को तोड़ने वाला है, और अगर तोड़ भी देता है तो याद रखिए यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर आता है तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी शेयर को एक्युमुलेट करने की। तो इसमें आप देरी मत करिएगा, थोड़े से पैसे यहाँ पर लगा देना अच्छा है, और बल्कि यहाँ पर ही लगा के बाय ऑन डिप्स करते हैं तो और अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि आने वाले रिजल्ट, और रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो कंपनी एकदम बेहतरीन नजर आती है ओके, कंपनी का जो पी है वो 48 से ज्यादा महंगी नजर नहीं आती, और इसका हाई 118 का हाई लगा के चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है ये, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक गिरावट है, बट कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है। मैं ईयरली बेसिस पर दिखाऊंगा तो आपको देख के यहाँ पर अचंभा होगा कि जो कंपनी लगातार घाटा दिखा रही थी वो पिछले 2 साल से एक लगातार यहाँ पर क्या दिखा रही है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट यहाँ पर दिखा रही है, और अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रही है। और जब जैसे ही बेकार नंबर आए थे तो चार्ट कैसा था, चार्ट यहाँ पर देखिए गिरता हुआ नजर आ रहा था, बट जैसे ही नंबर अच्छे आ रहे हैं तो चार्ट दोबारा क्या होगा, चार्ट दोबारा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, और इस बार के नंबर कैसे आ सकते हैं तो यहाँ पर देखिए सेल्स की तो मुझे नहीं पता कि सेल्स कैसी हो सकती है कैसी नहीं, लगभग इसी रेंज के आसपास या इससे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। क्यों, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस अच्छा खासा चल ही रहा है ओके, और सब कुछ ओपन अप होता हुआ नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है अच्छा खासे एड मिल ही रहे होंगे, रेवेन्यू अच्छा खासा हो ही रहा होगा, बट एक्सपेंसेस भी कुछ खास यहाँ पर ज्यादा नहीं हुए होंगे, बस सैलरीज जो एम्प्लॉयज की है वही यहाँ पर बढ़ी होंगी। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी यहाँ पर जो 23 का मार्जिन है, और एक साल पहले लगभग कितना था, 19% का यहाँ पर मार्जिन है, तो अगर इसके आसपास भी अगर प्रॉफिट रहता है तो अच्छा खासा ईयरली बेसिस पे तो मार्जिन रहने वाला है, तो कंपनी अच्छे खासे नंबर यहाँ पर पेश कर सकती है, तो इसके लिए यहाँ पर तैयार रहिएगा। और जब यहाँ पर अच्छे खासे नंबर पेश करेगी तो जो चीज यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है जिस तरीके से 20% ओके, यहाँ पर 6%, तो इसी तरीके से सीधे 20-20% 10-10% का अपर सर्किल लगा के चीजें ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन का कोई मोड मुझे नहीं लगता कि कंसोलिडेशन करेगा, सीधा ऊपर जाती हुई नजर आएगी, और एक बेहतरीन सपोर्ट लेके नीचे से यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर चीजें मिले तो बाय ऑन डिप्स करने की रणनीति रहेगी। तो नेटवर्क 18 ये हो गया, सेम एट इज
एज इट इज मैं अगर बात बताऊं तो यहाँ पर टीवी 18 में देखिए आज भी 13%, उससे पहले बात करें तो यहाँ पर गिरावट हुई थी। तो यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट नजर आ रहा था, बट उस सपोर्ट को तोड़ के दूसरा सपोर्ट भी मैंने आपको बताया था, उसी सपोर्ट को इसने यहाँ पर क्या किया है, इसने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है और उसके आसपास ही ये चलता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता इधर से ज्यादा गिरावट होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफी यहाँ पर गिर चुका है। बट स्टिल हमें देखिए हर अगर पॉजिटिव है हम कि चीजें अच्छी नजर आएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव भी होना जरूरी है, या फिर थोड़ा सा कॉशियस रहने की भी जरूरत है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर दोबारा बनता हुआ नजर आता है 48, और 48 पे अगर ये आएगा तो मैं इसमें हमें ऐड जरूर करूंगा अपनी पोजिशन, तो डेफिनेटली ऐड करना बनता है। क्यों? क्योंकि कंपनी एकदम बेहतरीन है, नेटवर्क 18 में डेट भी था, सब चीज था, बट अगर हम इसमें बात करें तो डेट फ्री कंपनी है। पी की बात करें 15 के पी पे चल रहा है, वो नेटवर्क 18 महंगा दिख रहा था, ये सस्ता दिख रहा है और 82 से करेक्ट होकर 53 पे आ गया है, और इसे हमने काफी बार रिकमेंड करके अच्छे खासे पैसे भी कमाए हैं। तो इस शेयर की तरफ ध्यान देना, और इसके जो रिजल्ट है यहाँ पर एक तो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम चार्ट पैटर्न सेम इसकी तरह ही नजर आता है, बट यहाँ पर देखेंगे तो इसकी भी कायाकल्प होती हुई नजर आ रही है। देखिए कंपनी के जो रेवेन्यू है लगभग 10 टाइम्स हो चुके हैं, ओके, नेट प्रॉफिट जो घाटे में था कंपनी लगातार प्रॉफिट बुक दिखा रही है, और पिछले 2-3 साल से प्रॉफिट हाई पे हाई दिखाई दे रहा है। तो जब प्रॉफिट हाई पे हाई दिखाई दे रहा है तो चार्ट को भी तो हाई पे हाई होना चाहिए, चार्ट यहाँ पर कम तो नीचे नहीं आना चाहिए, चार्ट को हमेशा ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर चार्ट ऊपर ही दिखाई देगा। देखिए रेवेन्यू वगैरह सेम एज इट इज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सेम उसी तरीके से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये 23% के आसपास के रेवेन्यू है, एक साल पहले 21 थे, तो शायद यहाँ पर थोड़े से रेवेन्यू आसपास रह सकते हैं या बढ़ सकते हैं। तो अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई देगा, हमें ये शेयर और भागता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस शेयर की तरफ भी आपको क्या देना है, ध्यान देना है। सपोर्ट की बात करें, यही सपोर्ट नजर आता है जिसका लो था 53.1 का, ओके, इसे यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और अगर गिरावट होती है तो यहाँ पर शायद थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है, जो कि इसे इन लेवल पे जाके लेके रख सकती है, और यहाँ पर अगर लेके रखती है, यहाँ पर लेके आती है, तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपको यहाँ पर पैसा लगा देना है। तो मार्केट ओपन होते ही साथ इन 3 शेयरों पे आपको नजर रखनी है, टीवी 18, नेटवर्क 18, और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, नाहर पॉली। और क्यों, टीवी 18 की अभी अगर मैं बता दूँ तो टीवी 18 का देखिए रिजल्ट कब आ रहा है 3rd of May को, नेटवर्क 18 का रिजल्ट कब आ रहा है, नेटवर्क 18 का भी रिजल्ट आ रहा है 3rd of May को ही रिजल्ट आ रहा है, तो ट्यूसडे को ही इन दोनों के रिजल्ट आ रहे हैं। नाहर पॉली का अभी तक कोई यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर दिखाई नहीं देता, बट यहाँ पर एक बेहतरीन यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये शेयर मुझे काफी अच्छा नजर आता है। तो इस शेयर की तरफ आपको भी ध्यान देना है, क्यों नजर आता है अच्छा शेयर, तो इसकी जो ग्रोथ है ओके, वो यहाँ पर दिखाई देती है, और यहाँ पर जो कंपनी काम करती है ना वो काफी बेहतरीन है। मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऑफ BOPP फिल्म्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। स्मॉल कैप है, पी यहाँ पर देखिए जो इंडस्ट्री का पी है उसी के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। ROC ROE ठीक ठाक है, डेट फ्री कंपनी 20% की डेट है, ज्यादा डेट नहीं है, और 601 रुपए का हाई लगा के अगेन बार बार उसी लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है, उसी सपोर्ट को यहाँ पर बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है, और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। शेयर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, बट 2020 में 3100 रुपए वाला शेयर यहाँ पर इतना होता हुआ नजर आया, बट स्टिल पी इसका बड़ा नहीं है, पी उसी रेंज में है, तो यहाँ पर अच्छा दिखाई देता है। और जो नंबर थे देखिए हाईएस्ट एवर इसके नंबर आए थे 25% का यहाँ पर दिखाई दे रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और अगेन नंबर अच्छे ही आने हैं, और जब अच्छे नंबर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है चीजें और अच्छी आती हुई दिखाई देंगी इसमें। और यहाँ पर ईयरली परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, ईयरली परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ाई है, ओके, एज और बात करें पब्लिक की हिस्सेदारी थोड़ी सी यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है, और कुछ लोगों ने अभी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है 1.26% की। तो चीजें समझने की जरूरत है, चीजें बार बार ऊपर जा रही है, उसी चीज को यहाँ पर बार बार यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रही है, ओके। पहले ही देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन आपके लिए खिंची हुई है, तो मैं आपको इसी सपोर्ट लाइन से बताऊंगा कि ये एक बेहतरीन सपोर्ट दिखाई देता है, ओके। और यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो चीजें और ज्यादा थोड़ी सी खराब हो सकती है, और चीजें नीचे आके लगभग अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस रेंज में आके फंस सकती है, 460 तक यहाँ पर नीचे आ सकती है। और ऊपर की बात करूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो ऊपर का रेजिस्टेंस एज इट इज बना हुआ 601 रुपए का, इस रेजिस्टेंस को 601 रुपए को इसने क्रॉस किया तो याद रखिए ऑल टाइम हाई पे शेयर ऑलरेडी चल ही रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर दिखाई देता है। रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं
तो चीजें बूम होती हुई दिखाई दे सकती है। जब तक यहाँ कर रहा है कंसोलिडेट तब तक अच्छा है, इसके नीचे जाता है तो याद रखिए यहाँ तक आ सकता है और इसके बाद अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। बट अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं और शेयर में अच्छे खासे वॉल्यूम आ जाते हैं, वॉल्यूम अभी ठीक नहीं आ रहे बट वॉल्यूम अच्छे आ जाते हैं, तो याद रखिए चीजें ऊपर जाके और 601 का लेवल निकाला तो अच्छे खासे रिटर्न आपको बनते हुए नजर आएंगे। और अभी यहाँ से जो 506 रुपये का लेवल चल रहा है, अगर यहाँ से 600 का भी टारगेट देखते हैं तो 18% के रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये 3 स्टॉक्स मार्केट ओपन होते ही आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि एक बेहतरीन चीजें यहाँ पर दिखाई देती है, सपोर्ट को अपने रेस्पेक्ट कर रही है, वो चीजें गिरती है तो यहाँ पर आपको तब भी खरीदना है, चीजें भागती है तो भी यहाँ पर खरीदने की कोशिश करना है। बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करके, अच्छी लगे वीडियो, टेक्निकल समझ में आए हुए हो और फंडामेंटल समझ में आते हो आए हो आपको जो हमने बताया, तो याद रखिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, लाइक कर देना है इस वीडियो को, दूसरी वीडियोस को जाके देखना है, लाइक करना है और लास्ट तक वीडियो देखा करें, क्योंकि लास्ट तक वीडियो देखने में आपको चीजें समझ में आएंगी कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाहता हूँ। और इन नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।